दुनिया भर में आज धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। ईसा मसीह के जन्मस्थल बेतलहम में खास आयोजन, चर्च ऑफ द नेटिविटी में आधी रात को हुई प्रार्थना। वेटिकन सिटी में क्रिसमस को लेकर लोगों में भारी उत्साह, चर्च में परंपरागत प्रार्थना का आयोजन, जुटे हजारों लोग। इराक के मोसुल में अलाव जलाकर क्रिसमस की शुरुआत, देर रात चर्च में प्रार्थना सभा का भी आयोजन। यूक्रेन की राजधानी कीव में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए ओपेरा थिएटर का मंचन, कलाकारों ने जिंगल बेल रॉक की धुन बजाकर लोगों का जीता दिल। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के शहर मोरियोपोल में लगाया गया विशाल क्रिसमस ट्री, 20 मीटर ऊंचे पेड़ को एलईडी लाइटों से सजाया गया। सहारनपुर में धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, सीएनआई सेनेमरी चर्च में लोगों ने प्रेयर के बाद केक काटा और फिर एक दूसरे को बधाई दी। रायपुर में सेंट पॉल चर्च पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, वहां उन्होंने सभी के साथ प्रेयर की। सीएम ने सेंटा कैप भी पहनी और एक बच्ची को भी अपने पास बिठाया। बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर के घर पर क्रिसमस लंच का हुआ आयोजन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सुहाना खान समेत कई सितारों ने की शिरकत। उत्तराखंड के औली में क्रिसमस मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी उमड़ पड़े हैं, सुबह से ही रोपवे के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्रिसमस के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे, भीड़ अधिक होने से लोगों ने बाहर से ही आरती की हाजिरी लगाई। नागपुर में सरकारी और निजी कार्यालयों में मास्क अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। आगरा में चीन से लौटा 40 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कर्नाटक सरकार कोविड को लेकर गाइडलाइन पर सोमवार को कर सकती है फैसला। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की हो रही है रैंडम अराइवल टेस्टिंग, कोविड के चलते अलर्ट पर प्रशासन। BF.7 को लेकर भारत के लिए आई राहत भरी खबर, एक्सपर्ट्स का दावा भारत में नहीं होगा इस वेरिएंट का ज्यादा असर। भारत में 8 जिलों में कोरोना वायरस संबंधी संक्रमण दर 5% से अधिक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में संक्रमण दर सबसे ज्यादा 14.29% रही, वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 11.11% दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 227 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,424 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बार फिर से मास्क पहनने की अपील की, दिल्ली में बड़ी मास्क की बिक्री। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम कोविड से निपटने के लिए तैयार हैं, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं यूपीएमपी से बेहतर। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कोरोना कुछ नहीं है बल्कि यह सियासी कोरोना है, दिल्ली में राहुल गांधी के दाखिल होने से परेशान है बीजेपी। मथुरा कोर्ट के आदेश पर बोले दारुल उलूम फिरंगी वैली के प्रवक्ता सूफिया निजामी, कहा जब हमारे मुल्क में वर्शिप एक्ट मौजूद है और उसके मुताबिक जो भी पहले से है वह ऐसे ही रहेगा तो बार बार चर्चा क्यों। राहुल गांधी की यात्रा पर इनोले प्रवक्ता नरेश शर्मा ने लगाया सवालिया निशान, कहा दिन में 20 किलोमीटर घूमकर रात में 5-स्टार होटलों में रुकना यात्रा नहीं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने क्रिसमस के अवसर पर आयोजित समारोह में लिया हिस्सा, देशभर में क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में प्रार्थना सभा में उमड़े लोग। हरियाणा के करनाल में किसानों ने किया सीएम आवास का घेराव, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका रास्ता। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने मनाया सुशासन दिवस, डीएम रचित राज ने मनवदर तालुका में आदिवासी समुदाय के 62 लोगों को जमीन कराया मुहैया। प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत जूनागढ़ प्रशासन ने सरकारी स्कीम को घर घर पहुंचाने के लिए उठाया बीड़ा। कश्मीर के बारामूला में पुलिस और सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद, जब्त हथियार में 14 ग्रेनेड और पाकिस्तान के झंडे की छाप वाले 81 गुब्बारे शामिल। सिरसा पहुंची जन चेतना यात्रा, सिरसा के भगत सिंह चौक पर फूंका मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का पुतला, चंडीगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान घेराव का ऐलान। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस सोमवार को आफताब का लेगी वॉइस सैंपल।
भारत ने बांग्लादेश को चौथी बार क्लीन स्वीप किया। श्रेयस अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़े। भारत के लिए 90 साल बाद ऐसा कमाल। इस जीत से भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिए। उसने चौथी बार बांग्लादेश को उसके घर में क्लीन स्वीप किया। 90 साल बाद भारत की ओर से टेस्ट की चौथी पारी में 8वें विकेट के लिए 70 प्लस की पार्टनरशिप हुई। बांग्लादेश से मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेट लिए। कप्तान शाकिब अल हसन 2 सफलताएं मिली। बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 231 रन बनाते हुए भारत को जीत के लिए 145 रनों का टारगेट दिया था। टीम इंडिया ने पहला टेस्ट 188 रन से जीता था। बेगूसराय में तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा। भीषण कोहरे से यातायात हुआ प्रभावित। उत्तरकाशी जिले में अचानक शुरू हुई बर्फबारी। गंगोत्री, हर्षिल और मुखबा की पहाड़ियों ने उड़ी बर्फ की सफेद चादर। शिमला में 13 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पर्यटकों को नहीं हुआ बर्फ का दीदार। एमपी के छतरपुर में शीतलहर की मार। कड़ाके की ठंड से लोग रहे हैं परेशानी का सामना। अमृतसर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई काफी कम। ठंड का प्रकोप जारी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान में आई गिरावट। बढ़ती सर्दी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उधम सिंह नगर में जारी है ठंड का तांडव। घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में जारी है सर्दी का सितम। शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। दिल्ली में कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस चालक प्रियंका ने दिया योगी मोदी को धन्यवाद। पति की मौत के बाद बनी थी ट्रक चालक। बाद में मिल गई उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम में नौकरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल स्वास्थ्य मेला स्वास्थ्य कार्यक्रम में हुए शामिल। जरूरतमंद बच्चों के बीच में बांटा कंबल। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को किया संबोधित। संबोधन में पूरे देश को नशा मुक्त करने के दिए आदेश। बोले 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे। रेलवे विभाग ने फरुखाबाद में रेलवे की संपत्ति पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को दिया नोटिस। जल्द ही बुलडोजर भी चलने के दिए आदेश। गुजरात में गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। फैक्ट्री मालिक और 2 अन्य व्यक्तियों की हत्या मामले की दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बुलाई अहम बैठक। लागू हो सकती है योजना। कोरोना पर पीएम मोदी का बड़ा पैगाम। मन की बात में बोले सावधानी जरूरी। नए साल के जश्न के बीच फिर से मास्क पहनने की लोगों से अपील। पीएम मोदी ने योग पर दिया जोर। कहा कोरोना संकट के बीच सभी ने देखी योग की शक्ति। दिल्ली एम्स में योग को लेकर हो रही है रिसर्च। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान को लेकर नमामि गंगे का किया जिक्र। कहा मां गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी। देशभर में बीजेपी नेताओं ने सुनी पीएम की मन की बात। कार्यक्रम का ये साल का अंतिम एपिसोड।